नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर रमेश झा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। आइए आज जानकारी दूंगा चोट मोच के बारे में। होम्योपैथिक इलाज कितनी कारगर होती है एक बार अवश्य अगर आपको चोट मोच हो इसे खाकर देखेंगे, फिर आपको भरोसा होगा होम्योपैथ कितना कारगर होता है। एक बार आजमाकर जरूर देखेंगे। बहुत ही रिसर्चेज दवा आपको बताऊंगा जिस दवा को लेने से आप पूर्णतः ठीक होंगे और आपकी चोट मोच एक घंटे में आपका दर्द आराम हो जाएगा। इतनी सुंदर दवा मैं आपको आज बताऊंगा। चोट मोच चलते चलते कहीं पैर उलट जाता है, मोच आ जाती है, सूजन हो जाता है, परेशानी बढ़ जाती है उस परिस्थिति में, या फिर कहीं चल रहे हैं गाड़ी से गिर गए, कहीं चोट लग गया, कहीं परेशानी हो गई, कहीं टकरा गए उसमें चोट लग गई, कोई वजन उठा रहे हैं उस परेशानी में कहीं नस चौक कर गया, कहीं तनाव आ गया, नस में खिंचाव आ गया, फिर दर्द होता है, फिर परेशानी होती है। उस परिस्थिति से निजात पाने के लिए आज मैं आपको होम्योपैथ की बहुत ही उत्तम दवा बताऊंगा जिसको लेने से आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे और एक खुराक से दो खुराक लेते लेते आपका दर्द भी बहुत आराम में चला जाएगा और तीन दिन में आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। अगर नस में तनाव आ जाता है, परेशानी हो जाती है, तो उसमें दो चार दिन वक्त लग सकता है। हल्का चोट मोच होगा तो आपको एक घंटे में रिलीफ आ जाएगी और आप पूर्णतः इससे ठीक हो जाएंगे। तो ये समस्याएं आजकल बहुत सारे लोगों में हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी दवा बताऊंगा जैसे कहीं ठोकर लग गया, कहीं गिर गए, कहीं छिल गया तो परेशानी हो जाती है, तो उस परिस्थिति में भी आपको एक दवा बताऊंगा जिस दवा को लेने से आपका वो घाव भी ठीक हो जाएगा और आप भी ठीक हो जाएंगे। चोट मोच और घाव ये तीन तरह का इसमें मैं बताऊंगा। चोट मोच की अलग दवा बताऊंगा और चोट मोच के साथ अगर घाव हो जाता है तो उसकी भी दवा मैं आपको बताऊंगा जिस दवा को लेने से आप पूर्णतः ठीक होंगे। अगर आपको चोट लग गई हो, मोच आ गई हो, तो उस परिस्थिति में आप अर्निका 200 नंबर 2 बूंद आधे घंटे के अंतर पर लेंगे, आप पूर्णतः उससे आराम महसूस करेंगे। दूसरी दवा होगी हाइपेरिकम, वो भी 200 पावर में लेंगे, वो आवश्यकता अनुसार ही लेंगे। दो बार लेने से, तीन बार लेने से, चार बार लेने से, मतलब आधे घंटे पर तो दोहरा देंगे, एक दवा लेंगे फिर आधे घंटे बाद दूसरी दवा लेंगे, फिर आधे घंटे बाद वही दवा ऑर्निका को दोहराएंगे, फिर आधे घंटे बाद हाइपेरिकम को 200 नंबर 200 CH पोटेंसी में लेंगे, दोनों को दोहराएंगे। दो खुराक खाते खाते आपका दर्द और मोच आराम हो जाएगा, दर्द महसूस नहीं होगा, फिर हिलाएंगे तो फिर महसूस होगा और 2 से 24 घंटे से 48 घंटे होते होते आपका सूजन और दर्द दोनों खत्म हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर आपको इसमें परेशानी हो गई, कहीं छिल गया, ठोकर लग गई, घाव हो गया, चमड़ा छिल जाता है, तो उस परेशानी में आपको ये दोनों दवा तो लेनी ही चाहिए, अर्निका 200 नंबर हाइपेरिकम 200 नंबर। अगर 2 दिन तो उसी दवा को लें और तीसरे दिन अगर उस घाव से ऊपर में पानी पानी जैसा अगर स्राव आना शुरू हो जाए तो उस परिस्थिति में आपको एक दवा शैलेशिया 1 mg एक खुराक ले लेनी है, आपका उससे पानी निकलना बंद हो जाएगा।
और एक क्रीम बता देता हूँ, जिस क्रीम को लगाने से आप 4 से 5 दिनों में पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, वो घाव भी आपका 1 सप्ताह होते होते ख़त्म हो जाएगा। अगर हल्का छिला हुआ घाव हो तो उसके लिए एक क्रीम आती है एस्कीन क्रीम, उस एस्कीन क्रीम को लेके जहाँ जहाँ छिला हुआ चमड़ा छिल जाता है, जिसे कहीं गाड़ी सड़क पे गिर गए पूरा छिला गया, तो जितना जगह छिलाया हुआ है उसमें लगा देंगे, आपको 1 सप्ताह में घाव पूर्णतः ठीक हो जाएगा और आप पूर्णतः ठीक हो जाए। अगर ज़्यादा कट खुट गया हो फिर इसका थोड़ा लंबा अवधि दवा खाना पड़ेगा, लेकिन चोट मोच अगर दर्द खत्म हो गया हो तो दवा को घंटे घंटे पर ना लें, उस दवा को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। अगर दर्द खत्म हो गया हो तो अर्निका ही केवल लें, हाइपेरिकम को बंद कर दें, केवल अर्निका और साइलेसिया 1 से 2 खुराक खाना पड़ सकता है आपको। अगर एक दिन में पानी आना नहीं बंद हुआ तो फिर दूसरे तीसरे दिन होके 1 दिन के अंतर से 1 खुराक और 2 बूंद ले लेंगे, आपको इतना ही में ये ठीक हो जाएगा और उस दवा को स्किन क्रीम को लगाएंगे, आपका वो घाव भी ठीक हो जाएगा और चोट मोच और दर्द जो है वो भी खत्म हो जाएगा। केवल चोट मोच अगर है तो बस 2 ही दवा आपको लेनी है, अर्निका और हाइपेरिकम, 2-2 बूंद आधे आधे घंटे से उसको दोहराते रहना है जब तक कि आराम न हो जाए। आराम हो जाए फिर उसका डोज को सुबह दोपहर शाम कर दें और आराम से 3 दिन में आप पूरे 2 दिन से 3 दिन में आप चंगा हो जाएंगे, 24 घंटा में आराम हो जाएगा। फिर आप इस दवा को जरूर लें और फिर इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग देख के इस वीडियो को देख के लाभान्वित हो सकें। इससे पहला वीडियो और मैंने बनाया है उसको भी देखें, इससे पहला मैंने बनाया है, इससे जो पूर्व बनाया है वो आपको चेहरे पर छाही जो हो जाता है, काला काला दाग हो जाता है, उसके लिए बना दिया, उससे पूर्व पिंपल्स पर बनाया, उससे पूर्व हाई ब्लड प्रेशर पर बनाया, उसी बीच में डायबिटीज पर बनाया है जिसमें 2 तरह का बताया, मूत्रमेह और बहुमूत्र दोनों की अलग अलग दवाएं, आप उसे लें अपने शरीर के सिम्टम के अनुसार से उसको जज करें जब हमको कौन दवा लेनी चाहिए और उसे लें, आप पूर्णतः ठीक होंगे। डायबिटीज लाइलाज नहीं है, उसका इलाज है बशर्ते आपका सिम्टम मिल गया आप ठीक हो जाएंगे। और उससे पहले हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और थायराइड और मोटापा ठीक करने के लिए मैंने वीडियो दिया है, जो कि मेरा रिसर्चेस दवा उस पर डाला हुआ है, आप उसे देखें और उससे फायदा लें। इसके अलावा जो भी दवा लें, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ किसी भी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाके ही लें, ताकि किसी दवा का अधिकतर डोज ना हो जाए, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। वैसे होम्योपैथ का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो दवा फायदा ही करेगी आपको, अगर फायदा नहीं करेगी लेकिन आप प्रिकॉशन में रहेंगे तो अच्छी बात है, और किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से संपर्क करके आप उस दवा को लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन दवा आपको अच्छा काम करेगा इसकी गारंटी है, क्योंकि ये जितनी भी दवा मैंने वीडियो इस पर डाला है वो सब रिसर्च की हुई दवा है और आपको अच्छा से अच्छा फायदा देगा। आप इसे जरूर लें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसे देखकर लाभ उठाते रहें। तो चलिए, धन्यवाद, सुंदर दिखें, खुश रहें और इस वीडियो को देखते रहें और इसे लाइक और शेयर करते रहें, ताकि दूर दूर तक यह वीडियो फैले और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख के लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।